हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं बिहार राज्य में स्थित औरंगाबाद जिला के बारे में। तो दोस्तों, वीडियोस को पूरा देखिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी वीडियोस देखने के लिए नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप अपने ज़िला के बारे में जानना चाहते हैं तो भी हमें नीचे कॉमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो औरंगाबाद ज़िला, यह ज़िला भारत देश के बिहार राज्य में स्थित बिहार के कुल 38 जिलों में से एक औरंगाबाद ज़िला के नाम से जाना जाता है। औरंगाबाद ज़िला बिहार के दक्षिण भाग की ओर बसा हुआ है, जिस वजह से इस ज़िले की सीमा झारखंड राज्य से मिलती है। औरंगाबाद ज़िले का हेडक्वार्टर ऑफिस औरंगाबाद शहर में मौजूद है, और औरंगाबाद ज़िला मगध मंडल के अंतर्गत आता है। बात करें पड़ोसी ज़िला की, तो औरंगाबाद ज़िला के पड़ोसी ज़िले का नाम रोहतास ज़िला, गया ज़िला, अरवल ज़िला है। औरंगाबाद ज़िला में 11 ब्लॉक, एक नगर पालिका, 32 पुलिस स्टेशन, 5 मुख्य सरकारी अस्पताल, एक कॉलेज, एक बिजली घर, 8 बैंक और 1884 गांव में बटा हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो बिहार के औरंगाबाद ज़िले का कुल क्षेत्रफल 3305 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आबादी की बात करें तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार औरंगाबाद ज़िला की कुल आबादी 25,11,000 है। औरंगाबाद ज़िले का औसत लिंगानुपात 916 के करीब है, यानी कि औरंगाबाद ज़िला में 1000 पुरुष पर 916 महिला हैं। औरंगाबाद ज़िला के वाहन पंजीकरण संख्या BR26 है। औरंगाबाद ज़िला के मुख्य नदी का नाम अदरी नदी तथा सोन नदी है। अदरी नदी के किनारे पर बसा यह ज़िला बिहार की राजधानी पटना से महज 140 किलोमीटर तथा देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 881 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। औरंगाबाद ज़िला का मुख्य भाषा हिंदी व उर्दू है। इस ज़िला में हिंदू धर्म की आबादी 90% तथा मुस्लिम धर्म की आबादी 9% है। सड़क रास्ते की बात करें तो औरंगाबाद ज़िला में कई ऐसे छोटे बड़े सड़क हैं जिसके माध्यम से यहाँ के वासी बिहार के बड़े बड़े शहरों में जा सकते हैं। वैसे इस ज़िला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 2, नेशनल हाईवे संख्या 19 गुजरती है, जो आगे चलकर बिहार के बड़े बड़े जिलों के साथ जुड़ती है। यह ज़िला बस के माध्यम से भी पड़ोसी ज़िला और ज़िला के छोटे बड़े गांवों तक भी बस सेवा मुहैया प्रदान कराती है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो औरंगाबाद ज़िला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम अनुग्रहा नारायण रोड रेलवे स्टेशन है, जो कि गया मुगलसराय लाइन पर स्थित है। इस रेलवे स्टेशन में 4 प्लेटफॉर्म व 6 पटरी शामिल है। अनुग्रहा नारायण रोड रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड AUBR है, और यह रेलवे स्टेशन ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के मुगलसराय डिवीजन के अंतर्गत आता है। शिक्षा की बात करें तो इस ज़िला में कई ऐसे छोटे बड़े स्कूल व कॉलेज हैं जिसके माध्यम से यहाँ के बच्चे अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वैसे इस ज़िले की साक्षरता दर 72% है, यानी कि यहाँ की आबादी के अनुसार 72% लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें कि पुरुष व महिला दोनों शामिल है। इस ज़िले के कुछ महत्वपूर्ण स्कूल व कॉलेज के नाम इस प्रकार हैं: राम ललन सिंह यादव कॉलेज, सजीदानंद सिंघा कॉलेज, अनुराग इंटर कॉलेज, श्री भगवत प्रसाद सिंह मेमोरियल बीएड कॉलेज, ओम आईटीआई, दशरथ प्रसाद बीएड कॉलेज,
ये सभी स्कूल व कॉलेज औरंगाबाद ज़िला में ही मौजूद हैं, जो कि यहाँ के बच्चों को शिक्षित होने में अपना योगदान देते हैं। अस्पताल की बात करें तो इस ज़िला में कई ऐसे सरकारी अस्पताल व प्राइवेट अस्पताल शामिल है, जो कि यहाँ के लोगों को स्वस्थ रहने में अपना योगदान देते हैं। इन अस्पतालों में शुमार देव हॉस्पिटल, हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल, निशा हॉस्पिटल, डॉक्टर के सिंह हॉस्पिटल, डॉक्टर अनिल सिंगा हॉस्पिटल, डॉक्टर बीके सिंह हॉस्पिटल, पल्स वुमेन हॉस्पिटल, ये जितने भी हॉस्पिटल हैं ये सभी औरंगाबाद ज़िला में ही मौजूद हैं, जो कि यहाँ के लोगों और बच्चों, जितने भी लोग यहाँ पर इस ज़िला में रहते हैं, उनको स्वस्थ रहने में अपना योगदान देते रहते हैं। पर्यटन स्थल की बात करें तो यह ज़िला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह से भरपूर व मशहूर है। सोन नदी के किनारे पर बसे होने के कारण यहाँ पर पर्यटक स्थल भी अच्छे हैं। इस ज़िले के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल में शुमार देव मंदिर, जो कि औरंगाबाद के दक्षिण में स्थित है, इसे हम सन टेंपल के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा उमगा मंदिर, जो कि औरंगाबाद से 24 किलोमीटर है, देवकुंड, उगमा, पीरू, सीरीस और अमझार शरीफ नाम से लोग काफ़ी वाकिफ हैं। व्यवसाय की बात करें तो इस ज़िले का मुख्य व्यवसाय खेती है। सोन नदी के किनारे पर बसे होने के कारण यहाँ की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है और यहाँ के लोग काफ़ी हद तक खेती अर्थव्यवस्था पर निर्भर रहते हैं। औरंगाबाद ज़िला में जैसा कि हम जानते हैं कि सोन नदी और अदरी नदी बहती है, जो कि इसके तटीय क्षेत्र में आने वाले जितने भी खेत हैं वो काफ़ी उपजाऊ हैं। इसके अलावा यहाँ पर वर्षा भी अच्छी मात्रा में होती है। यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण फसल में शुमार धान, गेहूँ, मक्का, बाजरा, तिलहन, अरहर आदि है। इस ज़िला में कई ऐसे कल कारखाने तो नहीं है, लेकिन छोटे मोटे व्यवसाय कर कर लोग अपना जीवन यापन करते हैं। दोस्तों, बिहार के औरंगाबाद ज़िला के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, वीडियोस पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।